नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोए अवस्था में सेवानिवृत्त शिक्षक के अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटे पुलिस। अपहरित छात्रा की सकुशल बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय के समक्ष छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन, सीटीएसपी बोले कई बिंदुओं पर चल रही है जांच। नाथनगर में बेखौफ अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, पीड़ित बोले सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। पूरे शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी, चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। और जगदीशपुर में फंदे से झूलता मिला किशोर का शव। अब खबरें विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत कोसी नदी पार स्थित कदवा सहायक थाना क्षेत्र से एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रताप नगर कदवा में 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक आनंदी प्रसाद सिंह की बीती रात घर में सोए अवस्था में अपराधियों ने आंख में गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल घटना के कारणों का कोई पता नहीं चल सका है। वही घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने छात्र छात्राओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीते शुक्रवार को जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला लॉज के समीप से 12वीं की छात्रा साक्षी कुमारी लापता हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने जोगसर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि छात्रा के अपहरण का आरोप लड़की के गांव के ही रहने वाले राहुल कुमार नामक युवक पर लगाया गया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस छात्रा की बरामदगी नहीं कर सकी है। इसी को लेकर छात्र छात्राओं सहित परिजनों ने एसएसपी कार्यालय के समीप सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के बाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर परिजनों और छात्र छात्राओं को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर जाम को हटवाया। इधर इस पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि छात्रा के लापता होने के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। साथ ही सिटी एसपी ने कहा कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है और लड़की के बरामदगी के बाद उसका बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 जून की घटना है। 3 जून को इनके परिवार वालों ने थाने में एप्लीकेशन दिया कि इनकी बहन है और एक गांव के ही एक बगलगीर लड़का है राहुल कुमार, उनके साथ ये कहीं चली गई है। पुलिस ने अपहरण की धारा में केस दर्ज किया है और अनुसंधान चल रहा है और उसमें हम लोगों को कुछ इनपुट भी मिला है और हम लोगों को जल्द ही लड़की की बरामदगी की जाएगी और उनकी कोर्ट में उनका बयान कराया जाएगा। इसका अनुसंधान हो रहा है, इसमें जो आयु है टेक्निकल से भी काम कर रहे हैं और जल्दी जल्द लड़की की बरामदगी हो जाएगी। ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जैसा कि FIR में भी बताया है परिवार ने, इसमें अपहरण का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। वो अपने गांव का ही एक लड़का है, उनके साथ ही फरार हो गई है। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों से अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाथनगर निवासी सचिन कुमार, राहुल कुमार उर्फ बिट्टू एवं नारायणपुर के पीयूष कुमार दरियापुर से शादी का वीडियोग्राफी कर घर लौट रहा था, तभी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया भीम कित्ता के समीप देर रात करीब आधा दर्जन अपराधियों ने मारपीट कर वीडियोग्राफर से 3 मोबाइल और ATM कार्ड सहित 11,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। वहीं एक अन्य घटना में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंधेरी नदी टूटा पुल के समीप अहले सुबह एक DJ बजाने वाले रजनपुर गांव निवासी संतोष मंडल, विदेशी पासवान और DJ गाड़ी चालक भिकारी यादव से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 4 बाइक पर सवार 8 की संख्या में बदमाशों ने 3 युवकों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर DJ गाड़ी सहित DJ से 4 मोबाइल और 6,000 रुपये लूट लिए। पीड़ितों ने बताया कि बदमाशों ने तीनों का हाथ बांध दिया और लूट की घटना को अंजाम देकर दरियापुर की ओर भाग निकले। दरियापुर से काम करके नाइट में हम वीडियोग्राफी का काम करते हैं शादी ब्याह में,
वो आ रहे थे तो वहाँ से तीन लड़का हम लोग चले वीडियोग्राफी करने वाले। तीनों जब भीम पिता चौक से आगे बढ़े तो अज्ञात व्यक्ति पांच, पहले तो एक ने हमला किया, गाड़ी चलती में हाथ पे मारा, हाथ पे जख्म हुआ और गिर गए वहाँ पे बाइक लेकर के तीनों लड़का। उसके बाद फिर वो पांच आदमी मिल के लाठी था कट्टा था वो सब ले करके हमको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वो लोग मार करके मोबाइल मेरा तीनों का, उसके बाद फिर चैन चांदी का, वीडियो का जो कार्ड होता है वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कार्ड सारा चीज़ छीन करके, और 10,000 रुपया लमसम तीनों के पास से निकला होगा, वो 10,000 रुपया लिया गया है। आपका परिचय? मेरा परिचय वीडियोग्राफी करते हैं, सचिन कुमार नाम है, घर मेरा नाथ नगर पासी टोला के पास है। मामला हम लोग रजनपुर से रात में बारात लगा रहे थे अपने गांव में अपने टोला में, हाँ ठीक है, तो बारात मेरा लग गया लगभग 2 बजे, वहाँ से 2 बजे लग गया बारात, तो हम लोग वहाँ से 15-20 मिनट बाद निकले हैं, सोचे यहाँ पे सट्टा गछे हुए हैं यहाँ नजरत होनी में, समझे ना, हम सोचे कि अभी हमको तेल खर्चा खाली लगेगा। बताए तो हम घर से आ रहे थे टीजे लेके उसके पास में 8-10 लड़का में चला टीजे छीन लगे। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर जगदीशपुर सनहोला मोड़ चेक पोस्ट पर एएसआई विशेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में चलाए गए सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक मैजिक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 405 बोतल में 165 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है, जबकि शराब लाने वाले मैजिक गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि अंधेरी का फायदा उठाकर ड्राइवर भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि मैजिक गाड़ी के अंदर शराब ढोने के लिए तहखाना बनाकर शराब को ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक एएसआई विशेश्वर प्रसाद की तत्परता के कारण की गई वाहन चेकिंग में मैजिक और शराब की खेप पुलिस के हत्थे चढ़ गई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी लक्ष्मी यादव के 13 वर्षीय पुत्र बजरंगी यादव का फंदे से झूलता शव बरामद हुआ है। घटना को लेकर घर वालों का कहना है कि बजरंगी यादव घर से साइकिल लेकर निकला था, लेकिन उसके साइकिल का कुछ भी पता नहीं चला है और किसी ने हत्या कर बजरंगी को फंदे से लटका दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही दुकानदार पप्पू शाह ने फोन कर बजरंगी के पिता से कहा था कि उसके बेटे ने चोरी की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके पुत्र की किसी ने हत्या कर दी है और इलाके में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जगदीशपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले भी भवानीपुर में एक बच्चे की हत्या कर फेंक दिया गया था, लेकिन उस मामले में पुलिस अभी तक आरोपी का पता लगाने में विफल साबित हुई है। मर गया है। अब वो किसका क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि कोई आदमी इसको किया है, ये बच्चा कौन सी कर सकता है। किसी से विवाद भी था आपका? विवाद किसी से नहीं, वही हमको फोन किया था रात। कौन फोन किया था? पप्पू साहब। पप्पू साहब घर कहाँ? टेंसपुर। क्या बोला आपको? वो बोला कि हमारे दुकान में चोरी किया है 15 दिन पहले। रात में फोन किया था? रात वही फोन किया है। क्या बोला गया? वही फोन किया कि आपका लड़का कहाँ है, आप लड़का से पूछें कि चोरी किया है कि नहीं किया है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भागलपुर BSNL महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में सोमवार को आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान BSNL के GM महेश कुमार ने फीता काटकर आधार सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं आधार सेंटर के शुभारंभ के बाद महाप्रबंधक महेश कुमार ने कहा कि इससे भागलपुर समेत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई जगहों पर केंद्र बंद हो जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आधार सेवा केंद्र सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक कार्य करेगा। GM ने कहा कि आधार बनवाने वालों को 200 रुपये लगेंगे, जबकि ग्राहकों को BSNL के सभी लाभ भी इस केंद्र के माध्यम से मिल सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DET प्रियरंजन, STE मार्केटिंग एंड जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार कनौजिया, CSC इंचार्ज डी प्रकाश मौजूद रहे। आज हम लोग BSNL प्रांगण में यहाँ पर हमने CSC के साथ साथ आधार सेवा केंद्र चालू किया है। ये जो सेवाएं हैं हमारे आउटसोर्स पार्टनर मेसर्स राजहंस के द्वारा ये दिया जाएगी सेवा, और यहाँ पर जितने भी हमारे आधार मशीन, जो दो आधार मशीन हैं, उनके जरिए हम नए आधार और उनमें मॉडिफिकेशन, जो कि 100 रुपीज़ का जो रहेगा वो नया आधार और 150 रुपये का अपडेशन, वो यहाँ पर जमा करके आप करा सकते हैं अपने जो भी पेपर्स के साथ। और साथ ही साथ हमारा जो सिम और जो सी टॉप अप और जो भी हमें सेवाएं जो हम पहले अपने पुराने उपभोक्ता सेवा केंद्र से देते थे, CSC से, कस्टमर सर्विस सेंटर से, वो हमारे सभी सेवाएं अब हमारे जो आउटसोर्स पार्टनर हैं मेसर्स राजहंस, वो हम हमारी सेवाएं को आगे बेहतर तरीके से बढ़ाएंगे। नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बीरबन्ना चौक NH 31 से मिडिल स्कूल बलाहा तक 14 नंबर सड़क किनारे उत्तरी भाग में बिहार सरकार के जमीन पर मकान, दुकान एवं झुग्गी झोपड़ी बनाए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध रविवार को SDM यतेंद्र पाल और SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी नवगछिया DC LR प्रमानंद शाह की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान 7 प्रखंड के BDO CO एवं CDPO को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके पर विभिन्न थाना के पुलिस पदाधिकारी, पुरुष महिला जवान, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और 5 JCB की भी व्यवस्था की गई थी। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत बीरबन्ना NH 31 चौक से हुई, जबकि मिडिल स्कूल बलहा तक कई जगहों पर प्रशासन और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी और पक्का मकान और दुकान समेत कुल 169 अवैध निर्माण को 6 घंटे की कार्रवाई में तोड़कर ध्वस्त किया गया। मौके पर SDM यतेंद्र पाल ने अतिक्रमणकारी से कहा कि अतिक्रमण लोगों की सुविधा के लिए हटाया जा रहा है, जबकि अंचल कार्यालय में शपथ पत्र के साथ दिए आवेदन के आलोक में अतिक्रमण के दौरान 14 भूमिहीन परिवार का घर को ध्वस्त नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासनिक पदाधिकारी से दक्षिणी भाग में बिहार सरकार जमीन समेत मधुरापुर बाजार एवं बीरबन्ना से भ्रमरपुर 14 नंबर सड़क से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। कुल 162 घरों को नोटिस किया गया था, फिर उसमें 15 दिन के बाद दोबारा से नोटिस किया गया हटाने के लिए, और फिर 162 घरों पर कार्रवाई की गई है। हाँ, लगातार जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जाता है, कोई आवेदन से या स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर नोटिस किया जाएगा नापी कराते हुए, और लगातार कोई भी अतिक्रमणकारी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पहले भी कुछ घरों को इंक्रोचमेंट मुक्त करवाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। उस समय हमारे तरफ से इतनी व्यवस्था नहीं थी फोर्स की, उसको देखते हुए इस बार चूँकि इंक्रोचमेंट के घर को खाली करवाने का संख्या भी ज़्यादा था, 150 से ज़्यादा था, तो इसीलिए आज ज्यादा बल की व्यवस्था की गई थी। मेगा कस्टमर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम को लेकर भागलपुर जिला अग्रणी प्रबंधक की ओर से यूको बैंक जोनल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूको बैंक के जोनल मैनेजर उपेंद्र मोदी ने कहा कि 2022-23 वित्तीय वर्ष का पहला क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम 8 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक के स्टॉल लगाकर लोन वितरित किया जाएगा, जबकि इस दौरान ग्राहकों को अलग अलग बैंक के स्टॉल पर ऋण संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। जोनल मैनेजर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्र से आने वाले लोगों को अलग अलग व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ ऋण संबंधी जानकारी भी मिलेगी, जिसके आधार पर बैंक ग्राहक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे। साथ ही अंचल प्रबंधक ने कहा कि जिले के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग वित्तीय सहायता पहुंचाना उनका लक्ष्य है, और साल के पहले क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में सभी बैंकों के सहयोग से विभिन्न मदों में 100 करोड़ ऋण वितरित करने का अनुमान है।
वहीं एलडीएम मोना कुमारी ने कहा कि 6 से 12 जून तक आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है और इसको लेकर ग्राहकों की सुविधा और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में क्रेडिट आउटरीच मेगा शिविर का आयोजन बुधवार को किया जाएगा, जिसमें जिले के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अलावा अन्य 12 निजी और कॉमर्शियल बैंकों के स्टॉल लगाए जाएंगे। एलडीएम ने कहा कि 0 माइल स्थित रेशम भवन परिसर में क्रेडिट मेगा कैंप के दौरान अलग अलग बैंक द्वारा कृषि के साथ एमएसएमई को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिसे भागलपुर सिल्क सिटी के रेशम उद्योग कृषि के क्षेत्र के अलावा कई तरह के सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों और बैंक ग्राहकों को सरकार की योजना की जानकारी देने के साथ कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक लोगों को ऋण मुहैया कराकर देश को तेजी से विकास के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में SBI और बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने भी कई अहम जानकारी दी, जिसमें लोन वालों से हमेशा क्रेडिट कार्ड का सिविल स्कोर बेहतर रखने और बार बार बैंक बदलने की बजाय बैंक के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य करने की बात कही। मौके पर यूको बैंक के DZM चंद्रशेखर चौधरी, SBI के जिला समन्वयक अमर कुमार पांडे, बैंक ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक राजकुमार प्रसाद भी मौजूद रहे। LDM से हमको बोला है कि आप एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम 8 तारीख को करें, तो उसी दिशा में हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो हमारा जो कस्टमर्स हैं, बैंक का कस्टमर से जुड़ने का और उनको लोन देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी दिशा में इस फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है और हम कुछ इसमें सारे बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने बोला है कि वो आप शामिल होइए और वो भी अपना भागीदारी करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करने का कोशिश। SLBC बिहार के तरफ से बिहार के सभी 38 जिलों में 8 जून को क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम करने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। इस हेतु भागलपुर जिले में रेशम भवन में 9:30 बजे सुबह से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले के सभी प्रमुख बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बैंक ने इसमें मैक्सिमम क्रेडिट आउटरीच के तहत कस्टमर के साथ संपर्क करने के लिए अपना अभियान सुनिश्चित किया है, अपना संकल्प सुनिश्चित किया है और मैक्सिमम संख्या में इसमें लोन वितरित किए जाएंगे। बैंक की जिले अवस्थित सारे बैंकों की ये प्राथमिकता होगी कि वो अपने कस्टमर को बेहतर सेवा एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध। पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर पंचायत अंतर्गत गंगा किनारे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान नवगछिया शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, पप्पू साह, मानिकपुर मुखिया अरविंद साह, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ अध्यक्ष विष्णु खेतान और संजीवनी गंगा के संस्थापक मोहम्मद अयाज समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से पीपल, बरगद, आंवला, बेल और पाकड़ का वृक्ष लगाया। कार्यक्रम में प्रकृति को हरा भरा रखने का संदेश देते हुए मौजूद लोगों ने फलदार और छायादार वृक्ष लगाने की अपील आम लोगों से की। वहीं स्वामी अगमानंद जी महाराज के मानिकपुर पंचायत की सीमा के समीप पहुंचते ही विशाल जनसमूह ने मुखिया अरविंद साह के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया, जबकि अगुवानी करते हुए स्वामी अगमानंद जी महाराज को कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया, जहाँ गुरुदेव ने पंचवटी वृक्षारोपण किया और लोगों को प्रकृति संवर्धन का संदेश भी दिया। अगमानंद जी महाराज ने कहा कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं और इनके बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। साथ ही कहा कि वृक्षों के द्वारा सभी जीवों को शुद्ध प्राण वायु मिलती है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इंसान को यही संदेश देना है कि ये वृक्ष आदम युग से ही, जब से मनुष्य आदमी इस पृथ्वी पर आया, तब से ये वृक्ष भी उनके सच्चे मित्र हैं, अभिभावक भी हैं, मित्र भी हैं और सारे संबंधों में बंधे हुए हैं ये हमारे वृक्ष। ये पर्यावरण संरक्षक भी हैं, मित्र तो हैं ही, अभिभावक कैसे हैं। जिस प्रकार पिता की उम्र अधिक होती है, दादा की उम्र अधिक होती है, बट पीपल आदि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी उम्र हमारे आपके से अधिक है, इसलिए वो अभिभावक स्वरूप भी हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोए अवस्था में सेवानिवृत्त शिक्षक के अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटे पुलिस।
अपहरित छात्रा की सकुशल बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय के समक्ष छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। सिटी एसपी बोले कई बिंदुओं पर चल रही है जांच। नाथनगर में बेखौफ अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित बोले सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। पूरे शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। और जगदीशपुर में फंदे से झूलता मिला किशोर का शव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।